हर की सियासत की बिछ गई बिसात, किसकी बनने वाली है सरकार, हर सीट का चुनावी समीकरण देखिए सबसे पहले हमारे साथ सिर्फ लाइव 10 न्यूज पर। सिवान के चर्चित डॉक्टर डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने आज बिहार के सीएम कैंडिडेट पुष्पम प्रिया चौधरी के पार्टी से आज उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल किया। हम आपको ये तमाम तस्वीरें सिवान से दिखा रहे हैं, जहां पर सिवान सदर से डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने पुष्पम प्रिया चौधरी के पार्टी यानी प्लुरल्स पार्टी से उन्होंने आज नामांकन पर्चा दाखिल किया है। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि डॉक्टर रामेश्वर सिंह ढोल बाजों के साथ अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे हुए हैं और इनके साथ इनके समर्थक भी भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं और जमकर नारे भी लगा रहे हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिवान से, जहां पर डॉक्टर रामेश्वर सिंह इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लोगों की सेवा करते थे, लोगों की इलाज करते थे, लेकिन अचानक चुनावी मैदान में इस बार ताल ठोकने के लिए उतर चुके हैं और बिहार के सीएम कैंडिडेट पुष्पम प्रिया चौधरी उनके पार्टी से इन्होंने चुनावी मैदान में टिकट लेकर उतरे हुए हैं और आज उन्होंने नामांकन किया। तमाम तस्वीरें देखिए, उनके साथ समर्थन में हजारों हजारों की संख्या में लोग नामांकन कराने पहुंचे हुए हैं। आता हूं और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि जो ये प्रेम और सम्मान मिल रहा है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि सिवान की जनता, बिहार की जनता इस बार अपने भविष्य के लिए वोट दे, अपने फ्यूचर के मैंने पास्ट के लिए ना बैठे। क्या गलतियां किया उसको नहीं देखना है, आगे हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम अपने अपने एक बिहारी का सम्मान बढ़ा सकते हैं। क्या ऐसा क्या हुआ सर कि अपना डॉक्टर का कार्य छोड़कर राजनीति में आ गए अचानक? हम डॉक्टर पहले भी थे, आज भी हैं, बाद में भी रहेंगे। राजनीति, मैं राजनीति को एक समाज सेवा करने का जरिया समझता हूँ। जो मैं समाज सेवा पहले भी करता था, आज भी कर रहा हूँ, बाद में भी करते रहूँगा। मैंने केवल राजनीति को समाज सेवा के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज करने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। बहुत सारे बातें हैं जो इतना इसमें बताना भी बड़ा मुश्किल है। क्या होगा सर 105 विधानसभा सिवान के? मेन मुद्दा हमारा है रोजगार, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम है, हमारे ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, यहाँ भ्रष्टाचार का जो समस्या है, जिससे कोई भी आदमी ऐसा बोल नहीं सकता है, चाहे वो किसी भी धारा विचारधारा का हो। कितने सीटों में नामांकन करने जा रहे हैं आप? क्या सीट नहीं, कितने सीट में नामांकन कर रहे हैं? कितने सीट में नामांकन करेंगे आप? अच्छा, मैं अब तीन सीट पे करेंगे सर, हमको भी बाकी लोग देख रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा और सवाल कि इसके पहले भी विकास के कार्य नहीं हो सके हैं और तमाम मुद्दे जो अभी आप बता रहे हैं, ये चुनाव के पहले आपने क्यों नहीं उठाया? एक डॉक्टर से लोग नहीं एक्सपेक्ट करते हैं जी कि इस तरह की बातें, डॉक्टर अगर इस तरह की बातें करता है ना, तो लोग कहता है कि डॉक्टर साहब को शोभा नहीं देता है ऐसा। और एक हम